सलाम अलैकुम दोस्तों, गवर्स गारमेंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको जो है पैंट कटिंग का तो सिखा दिए थे, अब जो है सिलाई कैसा होता है वो बताएंगे। सिलाई करने से पहले जो है आपको ये देखिए पैंट का कटिंग है ये वाला। तो पैंट का कटिंग में सबसे पहले जो है मार्का उठाना है। यहाँ देखिए सिलाई जहाँ से जहाँ बनाएंगे इसका इतना दूर से जो है छोड़ करके यहाँ से सीधान है वहाँ से आप ये दाग लगा लीजिए ताकि ये सिलाई बन पाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टेकिन लगेगा यहाँ पर, हमने एक टेकिन वाला पॉइंट है इसलिए एक ठो टेकिन लगाया। अगर दो टेकिन होगा तो एक ठो यहाँ पर भी होगा, फिर यहाँ पर तो इसको हमने एक टेकिन लगाया है। और पॉकेट का साइड में जो है इधर पॉकेट बनेगा तो यहाँ से आप जो है 2 इंची में लगा लीजिएगा ऊपर से। यहाँ देखिए ये 2 इंची में हम लगाया है मार्का, और यहाँ से 6 इंची का मुँह रहेगा इसका। ये हो गया पॉकेट का, यहाँ से साइड पॉकेट बनेगा। और यहाँ पर जो है आपका बैक पॉकेट का मार्का है, ये देखिए यहाँ से पीछे का टेकिंग रहता है और ये बैक पॉकेट बनेगा। तो इसका भी जो है हमने मार्का अंदर साइड में इसको लगा लिए हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपका पॉकेट बन जाएगा इस साइड में। तो ये हो गया ऊपर का साइड का। अब ये देखिए इन साइड का साइड में जो थोड़ा सा हमने मार्का छोड़ा था इसको इतना सा लूजिंग वूजिंग के लिए, तो इसका भी हमने जो है ये मार्का से इसको अंदर का मार्का ले लिया है। इस तरह से यहाँ से हम मार्का ले लिए। और उसके बाद में यहाँ देखिएगा बॉटम के पास में, मोहरी के पास में इसका भी जो दाग लगाए थे यहाँ पर भी हमने इसका मार्का उठा लिया है। तो ये हो गया। अभी हम प्लीज जो है आयरन से करके इसको तोड़ेंगे, वो भी हम दिखाएंगे आपको। और जो कटिंग किए हैं उसको भी दिखा देते हैं। ये अभी जो है फिलहाल ये देख लीजिए इस तरह से जो पैंट बनेगा, ये बेल्ट देख लीजिए इस तरह का बेल्ट तैयार हम करेंगे। बेल्ट के लिए हमने बकरम कैनवास काट के रखा है, उसको आयरन से चिपकाएंगे वो दिखाएंगे। ये जो अंदर में लगा हुआ है ये वाला, ये जो हमने साइड से निकाला था पल्ला, उससे हमने ये अंदर का पल्ला लिया है। इस तरह से अंदर का बन जाएगा। और देखिए ये पॉकेट जो रहता है पैंट के अंदर में इस तरह का, इसका कपड़ा हमने काट के रखा है, इससे ये पॉकेट बनेगा यहाँ का, ठीक है। और ये साइड पॉकेट जो बनेगा इधर का, इसका कपड़ा हमने काट के रखा है। ये 13 इंची का लंबा है और ये चौड़ाई पैंट के हिसाब से रहता है, ठीक है। और इसमें देखिए ये पतला लुप्पी लगा है, इसमें पतला लुप्पी नहीं लगेगा। ये वर्दी का है पैंट, खाकी देख रहे हैं आप लोग, खाकी पैंट है तो इसमें बड़ा बड़ा लुप्पी लगता है, इसमें 3 लुप्पी लगेगा, ठीक है। और ये जो है फ्लाई का कपड़ा है, ये वन साइड का फ्लाई का कपड़ा है, ये दूसरा साइड का फ्लाई का कपड़ा है। और ये कपड़ा हमने काटा है, ये पॉकेट के अंदर में लगाएंगे जो साइड पॉकेट रहेगा, ये सीधा पॉकेट बनेगा, उसके अंदर में ये सेम कपड़ा दिया जाता है। तो ये ऊपर का और नीचे का हमने काट के रखा है, वो पॉकेट में लगा के दिखाएंगे। ये सब हो गया। और ये बैक पॉकेट में हमने सेम कपड़ा इसमें से निकला था, तो हमने सेम कपड़ा डाल देंगे इसका पीछे का पॉकेट में, पीछे का पॉकेट बनेगा इसमें। देखिए सेम कपड़ा लगा इस तरह से उसमें लगेगा। ये हम करके आपको फिर बैक पॉकेट कैसे बनेगा हम सिलाई करके उसको दिखाएंगे। यहाँ से जो है इसको, ये पैंट का है बिछा हुआ, इसको आधा कर लेना है यहाँ से, हाफ एंड हाफ में, हाफ एंड हाफ में ले करके इस तरह से ऐसे कर लेंगे। और आयरन को ले करके आप यहाँ से इसको इस तरह से, इस तरह से जो है यहाँ से मार दीजिए। ये देखिए इसको ऐसे करके मार लिए, या आधा आधी में, ज़्यादा दूर नहीं मारना है। ये जो फ्लाई है ये फ्लाई के राउंडिंग के बराबर में यहाँ इतना दूर तक का आयरन मारना है। मारने के बाद इसको ऐसे खोल दीजिए। खोलने के बाद जो ये दूसरा चटका का दाग है यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ से यहाँ इसको ले लीजिए इस तरह से, और ऐसे ले करके यहीं से यहीं तक ख़त्म करना है। फ्लाई से थोड़ा सा नीचे बस जा करके इसको ख़त्म कर देना है, ये प्लेट को देखिए इस तरह से तोड़ लेना है। अगर दूसरा वाला प्लेट इसमें है तो ये भी यहाँ से ऐसे करके ये टूट जाएगा यहाँ से दूसरा। तो इसमें दो 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 नहीं देना है, एक ही देना है, तो हमने एक ही रख दिया इसको। ये देखिए ये जो पैंट का बेल्ट बनता है, ये इस तरह से बेल्ट है यहाँ पर। ये देखिए 2 हुक लगा हुआ है, और ये देखिए हमने ये बेल्ट को चिपका लिया है। और बेल्ट को चिपकाने के लिए जो है, ये समझ लीजिए कि आपका जो है ये जितना लंबा रखते हैं हम लोग, ये 2.5 इंच करीब है, तो 2.5 इंच ही हमने यहाँ पर रख लिया है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 2.5 इंच है, और कमर का साइज था 33 इंच। 33 इंच का यहाँ से हाफ जो है नाप लेना है, 33 इंच का आधा होता है 1.5। 1.5 का हमने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया है। और जो पीछे का मार्जिन है 2 से 2.25 इंची का यहाँ पर रखना है। तो इस हिसाब से ये हो गया। और ये जो पल्ला रखे हैं हमने, यहाँ से ये मुड़ जाएगा इस तरह से, और इसमें हुक लग जाएगा जिस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर ही हुक लगा हुआ है। इस तरह से इसमें हुक लगेगा, 2 हुक यहाँ पर ही लग जाएगा, ठीक है।
हुक को जो है यहाँ से पुश करना है ऊपर से, जैसे हमने दिखाया था ऐसे करके हुक लग जाएगा, यहाँ से कमर में हुक लग गया, ऐसे करके घुसा दिए हैं इसको और पुश करके इसको जो है ये प्लेट जो है हमने डाला है, और इसका जो नोक निकला हुआ है इसको इस तरह से दबा देना है। ये पैंट है, ये पैंट में जो है ये देखिए वॉच पॉकेट अंदर का ये बना हुआ है बेल्ट के अंदर में, तो इसको हम कैसे बनाते हैं बेल्ट का आज तैयारी का इसको दिखाएंगे आपको। हैं इससे पहले जो है यहाँ पर देखिए ये टेकिन मारा हुआ है, ऐसे ये टेकिन मारा हुआ है ये, ताकि जो है राउंड हो जाता है इसके लिए इसको टेकिन मारना पड़ता है। तो हमने भी देखिए यहाँ पतला ऐसा टेकिन मारा है, इसको दो टेकिन मार लिए हैं ऐसे राउंडिंग आने में करके, ये राउंडिंग होगा इसके लिए दो टेकिन मार लिया। और यहाँ से जो है आप इसको बैठाएंगे कम से कम तकरीबन जो है ये 3 इंची कपड़ा यहाँ से सामने से छोड़ दीजिए, यहाँ से हैं 3 इंची करीब कपड़ा छोड़ देंगे और यहाँ से पॉकेट बनाएंगे, ताकि जो है पॉकेट 3 इंची यहाँ से अगर छोड़ देते हैं इस तरह से, देखिए 2.5 इंची 3 इंची छोटा हुआ है यहाँ से, ये चैन के पास से ये जो चैन है चैन के पास से यहाँ से 3 इंची 2.5 इंची छोटा है, ताकि बराबर यहाँ पर आकर के सामने बैठेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अंदर आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, आप पॉकेट कैसे बनता है उसको देखिए। देखिए इस तरह से एक सिलाई मार लिए हैं, और सिलाई मारने के बाद इसको ऐसे कोना से थोड़ा थोड़ा इसको काट लीजिए, ऐसे ऐसे काट लेने के बाद इसको जो है पलट देना है, इस तरह से पलट करके ऐसे लेकर के फिर यहाँ से एक सिलाई मार लेना, ये कोना को जो है निकाल लेना इस तरह से, और यहाँ से स्टार्ट करिए सिलाई, सिलाई स्टार्ट करके यहाँ से देखिए इतना आधा चाँप से हो चाहे एक चाँप से हो यहाँ से सिलाई ले लीजिए। और फिर यहाँ से नीचे लीजिए इसको, फिर यहाँ से लेकर के ये हो गया आपको। देखिए यहाँ पर अंदर में हमने इतना इतना कपड़ा छोड़ के रखा है, ताकि इसको जो पलटेंगे इस तरह से, पलटने के बाद यहाँ से ऐसे करके लेकर के यहाँ से फिर सिलाई मारना है इस तरह से। इस तरह से इसको सिलाई मार लेना है, और मार के इसको जो है निकाल के फिर पलट लेना है। देखिए हमने इसको उल्टा करके दिया है, इधर से मारे हैं उस तरफ से मार दिए सिलाई, और ऐसे अंदर से इसको पलट दीजिए, इस तरह से पलट करके इधर कोना निकाल दीजिए दोनों का, और देखिए पॉकेट हो गया तैयार है। अब ये दोनों साइड का क्या करेंगे, इसको जो है कोना को इस तरह से जो है मार लेना है, समझे ना। ये कोना को हमने जो काटा था इसको बाहर तरफ निकाल लिए हैं इस तरफ, और ऐसे निकाल करके यहाँ से जो है हम सिलाई मार रहे हैं इसको, थोड़ा सा जाम कर लीजिए, और इस तरह से पूरा किनारे में सिलाई इसका मार लीजिए इस तरह से। तो आप लोग जो है रोज़ हम कोई ना कोई वीडियो दिखा रहे हैं आप लोग को, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, तो पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा उसको, और दूसरों को शेयर भी करिए, ताकि जो है और लोग भी सीख सकें इससे। ये देखिए इस तरह से काट के निकल लीजिए। अब इसमें बकरम बैठा के हम दिखाएंगे। देखिए हमने जो ये पॉकेट बना लिया था, ये पॉकेट बना लिया है, और ये जो चटका यहाँ पर लगा के रखे हैं 3 इंची जो बर्ती हमने दिखाया था यहाँ का, ये देखिए बर्ती है, ये बर्ती पल्ला है, तो यहाँ से जो है हम लोग लगाते हैं, देखिए यहाँ से लगता है, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से, ये बर्ती पल्ला है ये बटन पट्टी का, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं तो यहीं से हमने लिया है, इसको चटका लगा लिया, इसको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए इसको जो है सिल लिया है हमने पूरा, और इसको जो है इस तरह से इस तरफ पलटी करना है, ये पल्ला पल्ला इसके ऊपर में चढ़ के रहेगा। देखिए इसके किनारे में जो है सिलाई मारना है, देखिए ये वाला सिलाई हो गया है पूरा, ये कंप्लीट हो गया बेल्ट इस तरफ का वॉच पॉकेट वाला, और इधर का जो हुक वाला पट्टी है इसको देखिए नीचे में हम रख के इसको मार दिए हैं। अब ये जो पल्ला है इसको इस तरफ से मोड़ लेना है ऐसे करके, और यहाँ से बराबर रख करके इस तरह से इसको सिलाई मार करके निकल लेना है। ये देखिए हमने पूरा निकाल लिया है इसको, हैं, और अब जो है इसको क्या करेंगे, ये देख लीजिए यहाँ से हमने सिलाई मार दिया है इसको, ऊपर से भी मारा किनारे से ले, अब इसको कैसे पैक करेंगे इसको देख लीजिए, जो हुक वाला पल्ला है तो यहाँ से लेकर ही ऐसे करके, और इस तरह से यहाँ इसको जो है पैक कर रहे हैं,
अच्छा ये बेल्ट बन गया है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको तैयार करना है और अगला वीडियो फिर दूसरा इसमें देखिएगा, सेकंड पार्ट में बैक पॉकेट है, साइड पॉकेट है और दूसरा जो है दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।